हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम टेस्ट करेंगे हमारे इस पर्टिकुलर कोडिंग के लॉजिक को। तो हमने अभी तक अपनी इन दोनों ही एक्टिविटी के अंदर कोड को ऐड कर दिया है, जो कि लेवल लॉक एंड अनलॉक फंक्शनैलिटी है। तो मैं इस एप्लीकेशन को रन करता हूँ मेरे वर्चुअल एमुलेटर में, और देन मैं आपको आउटपुट शो करता हूँ कि क्या फंक्शनैलिटी हमारी एप्लीकेशन परफॉर्म कर रही है। देन आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन हो चुकी है लॉन्च। जैसे मैं प्ले क्विज पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से जावा कैटेगरी को सिलेक्ट करता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी जो एप्लीकेशन है वो क्रैश हो चुकी है। तो अगर मैं लॉक कैड को ओपन करूं यहां से और यहां से अपना एमुलेटर सेलेक्ट करता हूं, तो यहां पे हमारे को ये एरर के बारे में बताइए, कुड नॉट शेड्यूल रिक्वेस्ट टू रिफ्रेश। एक्चुअली यहां पे हम फिर से इसको क्लियर करते हैं, फिर दोबारा से रन करता हूं इस एप्लीकेशन को। देन आप देख सकते हो यहां पे एप्लीकेशन लॉन्च हो चुकी है। ले क्विज पे क्लिक करता हूं फिर से जावा की कैटेगरी पे, देन आप देख सकते हो एप्लीकेशन यहां पे हमारी क्लोज हो गई है। एंड यहां पे जो प्रॉब्लम आ रही है हमारी आ रही है एक्टिविटी क्लास के अंदर, मीन्स हमारी जो लेवल्स एक्टिविटी है, जावा लेवल्स एक्टिविटी। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो देखते हैं कि ये क्या प्रॉब्लम है एक्चुअल में। तो यहाँ पे आ रहा है कि जो ये आप देख सकते हो क्लास कास्ट एक्सेप्शन आ रही है, तो कॉज्ड बाय जावा लैंग डॉट स्ट्रिंग, यानी हम कहीं पर स्ट्रिंग डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, और यहाँ पे जावा लैंग डॉट इंटीजर, तो वो इंटीजर में कास्ट नहीं हो पा रहा है, मीन्स कैन नॉट बी कास्ट टू जावा लैंग डॉट इंटीजर, यानी जो स्ट्रिंग है वो इंटीजर में कास्ट नहीं हो पा रहा है। तो कुछ इस तरीके का एरर आ रहा है हमारी इस एप्लीकेशन में, इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर। तो यहाँ पे हम अपना इंटीजर डेटा कॉल कर रहे हैं, और यहाँ पे एक्चुअली में देखते हैं तो यहाँ पे की कैटेगरी लेवल जावा, तो मैंने यहाँ पे कैटेगरी लेवल वाले एक्चुअली में कॉन्स्टेंट यूज कर लिए हैं, जबकि हमें कॉन्स्टेंट जो यूज करने थे वो ये वाले करने थे। दैट इज द रीजन यहाँ पे हमारे को प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देता हूँ। तो हमारे को इस पर्टिकुलर वाले को यूज करना था, नॉट अ कैटेगरी वन, जावा लेवल वन और टू, दैट इज द रीजन यहाँ पे हमारे को एरर मिल रहा है। इसको यहाँ पे थ्री कर देता हूँ, फोर, फाइव, और देन दिस वन इज सिक्स, तो ये हो गया यहाँ पे हमारा। एंड देन अब दोबारा से रन करता हूँ एप्लीकेशन को और देखता हूँ कि क्या हमारी एप्लीकेशन वर्क करती है नहीं। तो प्ले को उस पर क्लिक करता हूँ, देन तो इस वक्त हमारी एप्लीकेशन प्रॉपरली स्टार्ट हो चुकी है, मगर यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है कि जो हमारा लेवल है वो अनलॉक नहीं हुआ, मीन्स जो बाय डिफॉल्ट हमने पहला जो एक लेवल अनलॉक करना था, बाय डिफॉल्ट नहीं, हमने उसके लिए कोड यहाँ पे ऐड किया था, बट एक्चुअली में कोड वर्क नहीं कर रहा। सो यहाँ पे भी कहीं ऐसा ना कि हमने कैटेगरी जावा लेवल वाली ये यूज ना कर रखी हो, तो यहाँ पे भी वही एक सेम प्रॉब्लम है गाइस। यहाँ पे भी मैंने कैटेगरी वाली यूज कर दी है, जबकि हमारे को जो कॉन्स्टेंट यूज करने थे वो ये वाले करने थे। तो ये मेरी ही गलती है, मैंने एक्चुअली यहाँ पे प्रॉपरली ध्यान नहीं दिया। इस कोड को यहाँ पे हमें रिप्लेस करना होगा इस पर्टिकुलर इफ के अंदर। हमें कैटेगरी तो कंपेयर करना है, लेकिन जो अंदर का कोड है वो हमारे को यहाँ पे जावा की लेवल फाइल वाला यूज करना है, मीन्स जो ये टॉप वाले हैं जावा लेवल वन वाले कॉन्स्टेंट्स, नॉट अ कैटेगरी जावा लेवल वन वाले कॉन्स्टेंट। तो वापस आते हैं कैटेगरी एक्टिविटी में, और यहां से लाके इनको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो एक्चुअली में यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं, देन यहाँ पे करता हूँ टू, देन थ्री, देन यहाँ पे फोर, फाइव, देन यहाँ पे भी कर देता हूँ सिक्स। ओके, तो यहाँ पे हो गया जावा के लिए। हालांकि जो कंपैरिजन वाला कोड है वो हमारे को यहाँ पे यूज करना है लाइक कैटेगरी लेवल वन, तो यहाँ पे कैटेगरी लेवल टू बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे को इसको चेंज करना है। तो यहाँ से काम करता हूँ, मैं इनको यहाँ से कैट को डिलीट कर देता हूँ, और एक अंडर स्कोर भी, तो यहाँ से कैट डिलीट कर दूँ तो ऑलमोस्ट वैसा ही बन जाएगा, इंस्टेंट कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, और रेस्ट ऑफ दी जो हमारी वैल्यूज है वो सेम ही रहेंगी। तो यहाँ से इसको भी डिलीट कर देते हैं। देन आप के सामने पूरे का पूरा एरर सोल्व कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं टाइपिंग करते हुए मेरे को ध्यान में नहीं रहा, मीन्स जब कोड ऐड करते हुए, तो कैटेगरी वाले मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिए, बट डॉट ज्यादा बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हम कीज को चेंज करेंगे तो डेफिनेटली हमारा लॉजिक वर्क करेगा। कैटेगरी को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ये भी कैट को, फाइनल दिस वन, और यहाँ से इसको भी, इसको भी, यहाँ पे जावा भी डिलीट हो गया, अंडरस्कोर हमें डिलीट करना है। तो डिलीट करते आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। देन आ गए हम लेवल फाइव पे, तो थोड़ा सा और है हमारे, यहाँ से इसको भी डिलीट कर देते हैं, डिलीट दैट, और ये भी हो गया। तो ये हो गया लेवल फाइव भी प्रॉपरली सेट, एरर फ्री। इसके बाद लेवल सिक्स को भी कर देते हैं एरर फ्री, और ये हो गया हमारा लेवल सिक्स भी एरर फ्री। तो एक बार मैं करता हूँ क्या, मैं इस एप्लीकेशन को लाइक क्लोज कर देता हूँ, इसे मैं अनइंस्टॉल कर देता हूँ। तो ये हमारी वो एप्लीकेशन है, आई थिंक यही हमारी ट्रिवा क्विज, मीन्स लेवल ऑफ क्विज अब बन चुकी है
प्रीरोक्विज़ की जगह अवेलेबल ऑफ कीज है, तो इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं यहाँ से मुझे अनइंस्टॉल कर देता हूँ एक बारी, ताकि जो शेयर्ड प्रेफरेंस फाइल है वो दोबारा से क्रिएट हुए। एंड देन फाइनली यहाँ पे बिल्ड पे जाके क्लीन प्रोजेक्ट करते हैं एंड देन अगेन इस एप्लीकेशन को बिल्ड करता हूँ फ्रॉम स्क्रैच। नाउ गाइस, अब यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन दोबारा से बिल्ड हो चुकी है, तो प्ले क्विज पे क्लिक करता हूँ, देन जावा की कैटेगरी पे भी, देन स्टिल यहाँ पे जो हमारा लेवल वन है वो अनलॉक नहीं हुआ, तो यहाँ पे हम देखते हैं टॉप की तरफ, यहाँ पे हमारे जो कैटेगरी, तो यहाँ पे भी मैंने गलती कर रखी है, यहाँ पे भी जब मैं पुट कर रहा हूँ वैल्यू, तो मैंने यहाँ पे जावा लेवल वन की वैल्यू पुट नहीं करी, मैंने यहाँ पे कैटेगरी लेवल वन ही पुट कर दिया, तो यहाँ पे भी मुझे इस पर्टिकुलर को हटाना पड़ेगा, यहाँ से कर देता हूँ डिलीट। एंड देन फाइनली अब मुझे फिर से एक बार एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, अनइंस्टॉल मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि बिल्कुल भी एरर ना रहे, यहाँ से इसको भी अनइंस्टॉल करते हैं दोबारा एक और बारी। एंड अगेन बिल्ड पे जाते हैं, क्लीन प्रोजेक्ट करते हैं और दोबारा से बिल्ड करता हूँ इस एप्लीकेशन को फ्रॉम स्क्रैच, तो अब देखते हैं कि हमारा लॉजिक वर्क कर रहा है नहीं। तो यहाँ पे मैंने की एक्चुअल में गलत डाल दी थी, कैट वाली की यूज कर दी थी, इस वजह से हमारे को एरर मिल रहा था। तो प्ले क्विज जावा एंड देन आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो एक लेवल है पहला वो बाय डिफॉल्ट अनलॉक हो रखा है, तो इस पर मैं अगर क्लिक करता हूँ देन आप देख सकते हैं हम यहाँ पे लेवल वन अब यहाँ पे प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला जो गाइस लेवल है वो सक्सेसफुली कामयाब हो चुके हैं, मीन्स हमारा यहाँ पे सक्सेसफुली वर्क कर रहा है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, हमारा पहला लेवल प्रॉपरली वर्क कर रहा है, तो काफी खुशी होती है जब लॉजिक प्रॉपरली वर्क करते हैं। तो थोड़े बहुत बग्स थे वो मैंने आपको सोल्व करके दिखा दिया इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर, यहाँ पे अब हम इस पर्टिकुलर क्विज को पूरा खेलते हैं क्योंकि 5 क्वेश्चन है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट काम होगा वो ये होगा कि हमारे को यहाँ पे क्विज को अनलॉक करना है जब हमारी क्विज कंप्लीट होती है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 क्वेश्चन करेक्ट हो चुके हैं, तो हमें यहाँ पे लेवल को अनलॉक करना है, बट यहाँ पे थोड़ा सा यूआई को भी चेंज करना है, तो वो भी मैं चेंज कर दूंगा नेक्स्ट वीडियोस में, मीन्स आने वाले हमारे वीडियोस के अंदर। तो ये कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पे हमारी क्विज, लेकिन अभी क्योंकि हमारा नेक्स्ट लेवल अनलॉक नहीं होगा बिकॉज ऐसा कुछ हमने लॉजिक सेट नहीं कर रखा, तो प्ले स्क्रीन पे जाते हैं, प्ले क्विज पे जाते हैं, जावा को सिलेक्ट करते हैं, जाना देख सकते हमने क्विज तो कम्प्लीट करी बट हमने लेवल 2 अनलॉक फंक्शनैलिटी यहाँ पे ऐड नहीं करी, हमने लॉक फंक्शनैलिटी ऐड कर दी और बाय डिफॉल्ट एक लेवल हमने अनलॉक कर दिया, बट यहाँ पे हमने अभी लेवल अनलॉक फंक्शनैलिटी नहीं डाली, जैसे कि अब हमने ये पर्टिकुलर लेवल 1 पूरा कंप्लीट किया बट यहाँ पे लेवल अनलॉक नहीं हुआ सेकंड वाला, तो उसके लिए हमारे को यहाँ पे क्विज एक्टिविटी के अंदर लॉजिक को ऐड करना होगा, तो वो हमारे आने वाले वीडियोस में हम करेंगे। तो कहने का मतलब है कि जैसे कि हम यहाँ पे कैटेगरी देखो, हमारे को ये पर्टिकुलर वैल्यूज को चेंज करना है, इसकी वैल्यू 0-0 यहाँ पे हो रखी है क्योंकि कैटेगरी वाली जो एक्टिविटी है वो एक्चुअली में लेवल्स को क्रिएट कर रही है, ये तो यूआई हमने क्रिएट कर दिया। देन आपको यहाँ पे मैं गाइस शेयर्ड प्रेफरेंस की फाइल दिखाता हूँ, तो यहाँ पे डेटा, देन हमारे को अपना पैकेज नेम यहाँ पे फाइंड आउट करना होगा कि कैसे क्या कहना चाहता हूँ मैं, जो यहाँ पे अगर आप देखो तो ट्रिवा क्विज 2 जो कि शुरू से चलता आ रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे 2 फाइल्स हैं, तो ये आ गई हमारी लेवल प्रेफरेंस फाइल, यहाँ पे क्लोज करता हूँ, तो ये आप देख सकते हो ये यहाँ पे हमारी 2 एंट्रीज आ गई हैं, तो हमारी जो कैटेगरी एक्टिविटी है वो ये एंट्रीज क्रिएट कर रही है, अभी हमने सिर्फ यहाँ पे यही 2 एंट्रीज क्रिएट की हैं, ये 2 एंट्रीज, और इनको हमने रिट्रीव किया हमारी जावा लेवल्स एक्टिविटी में, तो आप देख सकते हो यहाँ पे पैकेज नेम के साथ है ये लेवल प्रेफ फाइल, दैट इज द रीजन कि हम इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं क्विज एक्टिविटी के अंदर और जावा लेवल्स एक्टिविटी के अंदर, तभी हमने ये जो डेटा है वो लेवल्स एक्टिविटी में एक्सेस किया था। तो कैटेगरी फाइल क्या कर रही है, हमारी डेटा को इंटरनल फाइल सिस्टम में क्रिएट कर रही है, जो कि इस तरीके की फाइल है, मैप की फॉर्म में फाइल होती है, और देन अब हमारे को अपनी क्विज एक्टिविटी में लॉजिक लगाना है कि हम डेटा को अपडेट करें जस्ट लाइक दैट, तो ये हम आपको बताऊंगा हमारे नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे होगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जरूर इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, चैनल पर नए हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे मैं नई वीडियोस अपलोड करता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।